बदायूं झारण रेगिस्तान में चीन में स्थित है, जिसमें कुदरत के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ पाई जाने वाली रंगीन झीलें, साफ पानी के झरने, सिगिंग रेत टीला, रेतीली चोटियां और अजीब आकार के पत्थर पाए जाते हैं। बदायूं डेजर्ट चीन में एक रेगिस्तान है जिसका नाम बदायूं झारण डेजर्ट है, जो 39,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह चीन का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गांसू, गंसू, निंगजिया, निंगशिया और इनर मंगोलिया प्रांतों तक फैला है। यह रेगिस्तान कुदरत के चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ ऐसे 5 अजूबे मौजूद हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ChinaDiscovery.com की रिपोर्ट के अनुसार बदायूं झारण रेगिस्तान अपने 5 अजूबों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो यहाँ मौजूद रहस्यमयी रंगीन झीलें, साफ झरने, सिंगिंग रेत टीला, सिंगिंग ड्यून्स, रेतीली चोटियां और अजीब आकार के पत्थर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। आइए इस रेगिस्तान के इन अजूबों के बारे में जानते हैं। रहस्यमयी झीलें। अत्यंत गर्म जलवायु होने के बावजूद इस रेगिस्तान में आपको सैकड़ों झीलें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ लगभग 140 झीलें मौजूद हैं, जिनको रहस्यमयी झीलें बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनको पानी अंडरग्राउंड झरनों से मिलता है, जो बजरी जमाव के नीचे बहते हैं। हालांकि अधिकांश झीलों में पानी खारा है, लेकिन मीठे पानी की भी हैं। पानी में मौजूद खनिजों, शैवाल, नमकीन झींगा के चलते झीलों को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ बदायूं, नोरतू, यिंदरिटू यहाँ की कुछ फेमस झीलें हैं। साफ झरने। रेगिस्तान में कई झरने भी फूटते हैं जिनका पानी साफ, सिंगिंग रेत टीला। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगिंग रेत का टीला है, जिसका नाम बावरी तावलेगई, बावरी तावलेगाई है। यह रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है, जहाँ रेत 200 मीटर से अधिक ऊंची है। जब लोग रेत के टीले की ढलान को नीचे ढकलते हैं, तो उसके गिरने की आवाज सुनाई देती है। रेतीली चोटियां। इस रेगिस्तान में वैसे तो कई रेतीली चोटियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे अद्भुत बिलुतू चोटी है, जिसे रेगिस्तान में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जिसके रेत में ग्राइंडस्टोन प्रचुर मात्रा में है। यह समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंची चोटी है। अजीब पत्थर। यहाँ हैसेनचुलू, हैसेनचुलू एक ऐसी जगह है जहाँ अजीब आकार के पत्थर पाए जाते हैं। ये पूरा इलाका 40 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन पत्थरों की तस्वीरें खींचने के लिए देश विदेश से कई फोटोग्राफर यहाँ आते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली ये चीजें कुदरत का चमत्कार लगती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान के भीतरी इलाकों में एकमात्र मंदिर भी है, जिसका नाम बदायूं झारण मंदिर है, जो एक तिब्बती बौद्ध मंदिर है, जिसे 1755 में किंग राजवंश के सम्राट कियानलोंग के शासनकाल में बनाया गया था।